बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें दो अफराद बैठे हुए हैं। एक तरफ पे एक डॉक्टर है और दूसरी तरफ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी मेडिसिन के बारे में डॉक्टर साहब को अपडेट कर रहे हैं और डॉक्टर साहब इसको बड़ी गौर से इसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो नई ड्रग है या जो भी ड्रग है इस मेडिकल रेप के पास, उसकी तफसील क्या है। आज की वीलॉग का मकसद आप समझ गए होंगे कि मैंने फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है। दरअसल इसकी वजह ये है, आजकल मेरे वालिद साहब उसकी कंडीशन तबीयत नासाज है और वो हॉस्पिटल में सीसीयू में दाखिल है, तो मेरा ज्यादातर टाइम डॉक्टर साहब अपने वालिद साहब के साथ गुजरता है। लिहाजा मैं सोशल मीडिया से कुछ थोड़ा सा अवेयर रहता हूँ या टाइम नहीं मिलता कि मैं सोशल मीडिया को देख सकूँ। कल थोड़ी सी फरागत थी तो मैंने जब अपने फेसबुक अकाउंट को देखा तो वहां पे मुझे एक वीडियो नजर आई जो कि हमारे एक किसी फार्मास्यूटिकल के एक सीनियर कुलीग की तरफ से थी और वो एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे, उसका तस्करा कर रहे थे और जिसमें फार्मा इंडस्ट्री के बारे में कुछ बातें हुई थी और वो उस वीडियो के बारे में बहुत अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे और वो जो उस वीडियो में बात हुई थी उस वीडियो की एक एक बात का जवाब दे रहे थे। और मुझे ऐसा लगा कि आया उस वीडियो में कोई ऐसी चीज है कि जो तमाम फार्मास्यूटिकल फ्रेंड्स को हिट कर रही है, तो मुझे भी इश्तियाक हुआ और उसकी वजह ये भी थी कि वो जिस वीडियो का रेफरेंस दे रहे थे वो वीडियो हमारे जूनियर कोलीग्स हैं डॉक्टर अफान केसर, ये उसकी वीडियो थी। डॉक्टर अफान केसर मैं उसको जानता हूँ, वो मेरे दिल के बड़े नजदीक हैं, वो मेरे जूनियर हैं। डायरेक्टली वो तो अंडर मेरी ट्रेनिंग नहीं रहे लेकिन मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में, गेस्ट्रोएंटरोलॉजी के कॉन्फ्रेंसेस में, हेपेटोलॉजी के कॉन्फ्रेंसेस में अमूमन उसके साथ मुलाकात होती रहती है और ये कोई एक दो साल की बात नहीं है बल्कि तकरीबन पिछले एक दहाई से मैंने उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुल पाया, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन पाया। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज यंग एनर्जेटिक ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट एंड गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और मुझे इस पे भी फख्र है कि उसने अब मुल्तान में मुल्तान के रीजन में एक लीवर टावर का एक मंसूबा दिया है, उन्होंने उस सेंटर का इफ्तिताह किया है जिसमें उसके मुताबिक, मैंने खुद तो देखा नहीं है लेकिन कभी मौका मिलेगा तो लाजमन जाके देखूंगा, डॉक्टर अफान के मुताबिक और जो जो लोग उधर गए हुए हैं उनके मुताबिक इसमें बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो मुझे थोड़ा सा जरा अजीब लगा या तो शॉकिंग भी हुआ कि डॉक्टर अफान ने कैसे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में ऐसी बातें की हैं या जो जिसका हवाला वो मेरे भाई जो अपने फेसबुक के एक वीडियो में दे रहे थे, तो मुझे बहुत ही शौक हुआ और मुझे मैंने चाहा कि मैं जरा डॉक्टर अफान केसर का वो इंटरव्यू जो उसने वीलॉग पब्लिश किया है उसको मैं देख लूं और उसको मैं वॉच करूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि डॉक्टर अफान केसर फार्मा इंडस्ट्री के वो इतना बुरा भला कहेंगे। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, इसमें वो डॉक्टर अफान बेटा वो एक फार्मास्यूटिकल का जो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तकरीबन कोई उसने कोई 27 साल सर्विस की है और उसके बाद वो रिटायर्ड हुए हैं, तो वो उसके साथ डिस्कशन कर रहे थे और फिर वो अपना एक एक्सपीरियंस दे रहे थे। इससे पहले कि मैं डॉक्टर अफान के इंटरव्यू पे आऊं और उसकी थोड़ी सी मैं अपने तौर पे उसकी एनालिसिस करूं, ये एक बात याद रखिएगा कि डॉक्टर अफान केसर को मैंने बहुत ही रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल और डेडिकेटेड डॉक्टर पाया है। इसमें दो बड़ी बातें हैं, क्योंकि वो बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो दो बड़ी बातें हैं जो कि जब आप उसकी वी लॉग्स देखते हैं, जब आप उसकी
पोस्ट देखते हैं, तो अगर इन दो बातों का आपके जहन में या बैकग्राउंड में आपकी दो बातें हों, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि डॉक्टर अफान केसर का जो नुक्ता नजर है या उसके जो व्यू पॉइंट है वो क्या है। पहली बात तो ये है कि ही इज अ वेरी पॉजिटिव मैन, और जहां भी उसको कोई भी कोई मनफी सोच मिलती है, कोई मनफी बात मिलती है, कोई नेगेटिविटी मिलती है, तो वो उससे रहा नहीं जाता और वो उसको पॉइंट आउट करता है। पहली बात तो ये है कि वो जहां भी उसको नेगेटिविटी उसको नजर आती है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन में है, चाहे वो सोसाइटी में है, चाहे वो एटीट्यूड्स में है, चाहे वो सोशल लाइफ में है, तो वो जहां भी वो नेगेटिविटी देखता है वो उससे रहा नहीं जाता और उसको पॉइंट आउट करता है, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो अपनी फीलिंग्स या अपने जो उसको एक्सप्रेस करता है उसके बारे में जो ओपिनियन करता है, तो वो जो उसके दिल में आता है वही उसके जुबान पे होता है, या मैं ये कहूं कि वो पूरी सच्चाई के साथ फिर उस नेगेटिविटी को पॉइंट आउट करता है और उसको एक्सप्लेन करता है, या उसको यू कैन से कि उसको वो क्रिटिसाइज करता है, ठीक है ना। तो एक तो ये बात उसकी पर्सनैलिटी में जो मैंने देखी है या उसको जो मेरे साथ वो रहा है, हमारी इंटरेक्शन होती है, कि एक तो ये कि जहां भी कोई नेगेटिविटी हो, चाहे वो मेडिकल लाइफ में है या मेडिकल फील्ड में है, चाहे वो सोशल फील्ड में है, चाहे वो किसी और मुआशरे में है, तो एक तो उससे वो नेगेटिविटी देखी नहीं जाती, नंबर दो कि उस नेगेटिविटी को जब वो क्रिटिसाइज करता है तो पूरे जोर और पूरे खुलूस के साथ क्रिटिसाइज करता है। और ऐसे में अमूमन उसके जो ही इज यंग लॉट इज इमोशनल, तो फिर उसकी वही बात होती है कि उसके जो थोड़े से अल्फाज होते हैं कभी कभार वो नापसंदीदा अल्फाज हो जाते हैं। दूसरी बात की क्योंकि वो मेरी तो वी लॉट बड़ी लंबी लंबी हो जाती है, क्योंकि वो टाइम ओरिएंटेड है, वही 5-6 मिनट में वो अपना वी लॉट करता है, तो उस 5-6 मिनट में कभी कभार वो अपना जो कहना चाहता है शायद वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब बातें उस इंटरव्यू की तरफ, उस इंटरव्यू में वो एक फार्मास्यूटिकल के रिटायर्ड पर्सन से शायद उसके पास एज ए पेशेंट आया है, तो वो उससे डिस्कशन कर रहा है और वो पॉइंट जो वो पॉइंट आउट करना चाहता है, जिस नुक्ते को वो एक्सप्लेन करना चाहता है डॉक्टर अफान केसर, मेरे ख्याल में वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा एज ए प्रोफेशन या एज ए इंडस्ट्री, इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो एक्चुअली जो मेडिकल रैप होते हैं उनकी लाइफ को हाईलाइट करना चाहता है कि वो कितनी ज्यादा तकलीफें झेल के वो इस प्रोफेशन में रहते हैं, सर्विसेज देते हैं, और फिर उसके बदले जब उनको जरूरत होती है तो शायद वो फार्मा इंडस्ट्री इतना उसको कैटर नहीं करती या इतना उसको ओन नहीं करती। मैं वो अल्फाज नहीं बोलूंगा कि जो अल्फाज उसने बोले जिस प्रोफेशन से तशबीह दी, लेकिन उसने ये तशबीह नहीं दी, उसने ये कहा कि उस प्रोफेशन में भी अगर एक जो उस प्रोफेशनल जो बंदा है वो अगर वो प्रोफेशनल में जो है वो बच्ची अगर उसको वो उसके ग्राहक कस्टमर कम हो जाते हैं या वो वर्थ वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं रहती जिसके लिए वो प्रोफेशन मशहूर है, तो फिर वो प्रोफेशन उसको ओन करता है और उसको एक दूसरे रोल में ले आता है, लेकिन उसको चोटता नहीं है, जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अमूमन देखा गया है कि फिर ये इनका कोई शायद आफ्टर रिटायरमेंट कोई लाइफ नहीं होती। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, इट मे बी करेक्ट, इट मे बी लॉन्ग, लेकिन वो डायरेक्टली मेरे ख्याल में फार्मा इंडस्ट्री को उस पेशे से नहीं कह रहा कि ये वो पेशा है, वो कह रहा है कि ये उससे भी इसका एटीट्यूड का थोड़ा मसला है, शायद ये कहना चाह रहा है। दूसरी बात वो जो कह रहा था कि ये बच्चे जो है ना उनकी खुराक वगैरह के बारे में जो बातें कर रहा था इंतजार, कि यार ये इतने जो मेडिकल रेप होते हैं वो इतनी डेडिकेटेड होते हैं कि उनको अपनी खुराक का ख्याल नहीं होता, खाने पीने का ख्याल नहीं होता, बेचारे जल्दी जल्दी कोई चीज खा रहे होते हैं, वो बहुत घंटों घंटों वेट करते हैं और उसके बाद वहां सिर्फ 2-3 मिनट उनको मिल जाते हैं, कभी कभार वो भी नहीं मिलते, तो वो इस लिहाज इस तौर पे मेडिकल रेप को क्रिटिसाइज करने की बजाय वो डॉक्टर जिनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है एज अ होल उनको क्रिटिसाइज कर रहा था। ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसको बेहतर एक्सप्लेन करने में डॉक्टर अफान केसर इज द राइट पर्सन, वो इसको एक्सप्लेन कर सकता है। इस वीलॉग की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी या इसलिए मैंने कहा कि मैं ये वीलॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए नहीं कि डॉक्टर अफान केसर के हिमायत में या उसको प्रोटेक्ट करने में आ जाऊं,
He is a very vocal person. He is a very dedicated person. इसके followers millions में हैं. वो अपनी बात का अपनी बात को defend कर सकता है, ये explain कर सकता है. Point ये है कि एक तो ये है कि मैं हमेशा positive चीज़ तरफ देखता हूँ. तो डॉक्टर अफान केसर के interview में मुझे उसका वो बंदा वो अफान नजर आया कि जो negativity को देख नहीं सकता, और अगर उसको negativity उसको नजर आती है तो full power के साथ अपनी फुल दयानतदारी के साथ उसको क्रिटिसाइज करता है. वजह मेरी इस व्लॉग की दरअसल ये है कि मैं फार्मा इंडस्ट्री के बारे में एज अ होल बात करूं, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के साथ हमारे लाखों यंगस्टर्स की उनकी लाइफ अटैच्ड है या उनका प्रोफेशन है, और ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोफेशन है. तो अगर मैं ये कहूं कि जिस वक्त पाकिस्तान बना 1947 में, तो फिर हमारे पास चंद एक ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी, हमारी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं थी. लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक ये याद रखिएगा कि मैं डायरेक्टली फार्मा इंडस्ट्री के साथ या उसके स्टेटिस्टिक्स के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये जो मैंने कुछ डेटा गूगल से या बाकी रिसोर्सेज से कलेक्ट किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. और उसके बाद फिर फार्मा इंडस्ट्री के बारे में जो मेरा क्योंकि 35-36 साल का मेरा साथ है, और फार्मा इंडस्ट्री का और डॉक्टर्स का चोली दामन का साथ रहता है, और इस वजह से मैंने ये आप लोगों को मेरी पिक्चर है मेरे पीछे है, इसमें अगर आप देखें तो डॉक्टर साहब और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक टेबल के दोनों एंड्स पे हैं, दोनों ही एक लेवल पे हैं, मैंने इनको एक लेवल पे रखा हुआ है, और दोनों को ही जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं उस डिस्कशन को. तो मैं हमेशा जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स मेरे दोस्त जब हमने हाउस जॉब शुरू किया है 1988 में, और अब बहुत सारे बल्कि जितने भी वो उस वक्त के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने अपने फार्मा इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं और बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे हैं. और साथ साथ जो हमारा मेरे बहुत सारे हैं जिनके साथ ही अब हमारी दोस्ती या मेरी दोस्ती कोई 30-35 साल की हो गई है, और वो सारे इस बात की गवाह हैं कि मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूं, मैं अपने भाइयों की तरह समझता हूं, बल्कि उनसे यही बोलता हूं कि देखें हमारी मेडिकल प्रोफेशनल की डेवलपमेंट में या हेल्थ केयर को उठाने में फार्मा इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है. इस पर मैं बाद में आते हैं, पहले मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूं. तो 1947 में जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास चंद एक ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी, या शायद थी ही नहीं. अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 800 से ज्यादा पाकिस्तान में रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, और इसमें से 25 या इससे भी ज्यादा ये मल्टीनेशनल है. एक बहुत बड़ी बात है. इस वक्त तकरीबन कोई 9000 से ज्यादा ड्रग्स, यानी 9000 से ज्यादा दवाइयां मार्केट हो रही हैं इन फार्मास्यूटिकल फार्मास इंडस्ट्रीज के जरिए से, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां शामिल हैं. इस वक्त ये जो मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये 1-2-3 साल पुरानी है, शायद अब इससे भी ज्यादा हो चुका होगा, कि तकरीबन कोई 3.2 से लेकर 3.7 या 3.8 बिलियन यूएस डॉलर जो कि पाकिस्तानी रुपए में बनते हैं. मैं अगर आसानी से आपको बताऊं, 1,00,000 करोड़ या 100 अरब, यानी पाकिस्तान में जो फार्मा इंडस्ट्री है इसकी जो वर्थ है, इसका जो वॉल्यूम है, ये कोई 100 अरब रुपए की है. और अल्हम्दुलिल्लाह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान के टॉप 10 इंडस्ट्रीज में इसका शुमार होता है, और ये उन इंडस्ट्रीज में शामिल है कि जिसकी प्रोडक्ट्स अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बाहर के मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता है. ये शायद मेरे बहुत से दोस्तों के लिए, व्यूवर्स के लिए हैरानी की बात होगी. हम उनके सबका ये ख्याल है कि जो बाहर की दवाएं आती हैं वो क्वालिटी की होती हैं, पाकिस्तान की नहीं होती हैं. तो ये मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी फार्मास हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, फिर वो बायस हो जाएगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत से मुल्कों को अपनी ड्रग्स एक्सपोर्ट भी करता है. ठीक है, ये बात है. दूसरी बात ये है कि
2017 से 2017 में पहली पाकिस्तानी कंपनी है जो कि WHO ने इसको क्रेडिट किया है, और अब तो और भी चंद कंपनीज इस लिस्ट में आ गई हैं। तो ये तो वो स्टेटिस्टिक्स हैं कि जो मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान के टॉप 10 इंडस्ट्रीज में शामिल है, और इसकी जो वर्थ है, इसकी जो वॉल्यूम है, ये कोई 100 अरब रुपए से ज्यादा है, और इसमें लाखों लोग वो मुलाजमीन है या इसके साथ वो अटैच्ड है। ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे जवान वो आना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। तो चूंकि वो डॉक्टर अफान की वीडियो में, अगरचे उसने मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री को कर्ज नहीं किया था, इसमें जो एटीट्यूड है उसको कर्ज किया था, या जो एटीट्यूड बन जाता है बाय लार्ज हर फार्मा इंडस्ट्री में, नहीं चिंतक में वो बन जाता है, वो भी किन इंडस्ट्रीज में होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो इस पे जो कमेंट्स आए तो ऐसा लगा कि शायद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या तो ये बहुत ही खराब है, या इसकी तरफ आना नहीं चाहिए, या मुख्तलिफ बातें हैं। और हमारे सोसाइटी में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बहुत नेगेटिव इंप्रेशन है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोचा जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इस व्लॉग में मैं उन चीजों को एक्सप्लेन करूं। तो मेरे ख्याल में जो मैंने देखा है तकरीबन कोई 35-36 साल में, जो मैंने कहा कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ इस तरह अटैच हूं कि मैं टेबल के इस एंड पे होता हूं और दूसरी एंड पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है और हमारी डिस्कशन चलती रहती है। जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो इस बात की गवाही है कि जब मेरे पास आते हैं तो हमारी रिलेशनशिप ये होती है कि एक तरफ मैं बैठा हूं, मेरी इज्जत के साथ हम डिस्कशन करते हैं। हाँ, कभी कभार इंसान है, कोई कोई ऐसी सिचुएशन होती है हमारी जब विजिट होती है तो वो कोई पूरे मरीजों के बाद होती है, किसी मरीज की वजह से आपका कोई टेम्परामेंट इंसान है जरा ऊपर नीचे हो जाता है, तो शाज़ो नाज़र कभी हो जाता है या मेंटल कोई और बात होती है। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे जितने भी फार्मास्यूटिकल फ्रेंड्स हैं जिनका साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है ओवर द इयर्स और द लास्ट दिस 3 डेकेड्स, वो इस बात की गवाही देंगे कि पर्सनली हमेशा इनको मैंने अपने इक्वल देखा है, और अपने इनको मैं कोशिश करता हूं कि दिल से इनको प्यार करूं, चाहे दवाई लिखूं ना लिखूं, लेकिन कम से कम हमारी जो इंटरेक्शन होती हो वो बहुत प्यारी हो। तो फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत ही मुअज्जज पेशा है, जो मेरा अपना ख्याल है, जो मैं कहना चाहूंगा कि इस वेरी नोबल प्रोफेशन, कॉम्पिटेटिव है। यहाँ पे एक वो प्रोफेशन है कि जिसमें एक कंपटीशन रहता है एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री के साथ, एक कंपटीशन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री की होती है, लेकिन इसका इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और आपस में भी डिफरेंट जो फार्मास होते हैं उनका इंटरेक्शन होता है, कंपटीशन भी होता है, और एक ही फार्मा में मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी कंपटीशन होता है, और इवन एक ही बंदे को अपने तौर पर भी कंपटीशन होता है। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन, और इसमें जो वर्कर्स होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, वो नहीं होते कि एक तरह का काम करके करके वो मुर्दा हो जाते हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री ये जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है मेल फीमेल दोनों को, और 3 तरह की जॉब इसमें आती हैं। एक तो आपकी फैक्ट्री लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग साइट पे, दूसरी उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, और उसमें ऑफकोर्स स्किल्ड पर्सनल्स भी होते हैं और उसमें सेमी स्किल लोग भी होते हैं। इसके बाद इसके एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जैक्टिव लेवल पे, जो कि ऑफिस में तमाम बिजनेस को देख रहे होते हैं, तो इसमें हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, हाईली एजुकेटेड और हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं। इसके बाद फील्ड फोर्स, और ये भी एक एजुकेटेड फोर्स होती है जो कि लर्न होती है और प्रॉपरली ट्रेंड होती है। तो फार्मा इंडस्ट्री न सिर्फ ये कि एक नोबल प्रोफेशन है, एक कॉम्पिटेटिव प्रोफेशन है, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है मेल फीमेल दोनों को, और मैंने देखा हुआ है कि हमारे पास फील्ड फोर्स में भी बच्चियां आती हैं और हमारी बहनें आती हैं, और माशाल्लाह वो बड़ी कंपोज होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी मैंने देखा हुआ है, जो कभी कभार हमारे पास एग्जेक्टिव मीटिंग्स होती हैं तो उसमें जब हमारे पास आते हैं तो डिस्कशंस करते हैं, तो मैंने इनको एक बहुत ही कंपोज पाया हुआ है। ये एक वाइट कलर प्रोफेशन है, इसमें जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड वेल बिहेव्ड, उनको उनकी पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट,
वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो जब आप इस प्रोफेशनल के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो आप नेचुरली एक आपका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, आप प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड होते हैं, आप प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप इंट्रैक्शन करेंगे, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बताई जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्जर्व की जाती है कि वो किस तरह होते हैं। और अमूमन जब हमारे पास उनके सीनियर्स भी आते हैं तो यही पूछते हैं कि जी हमारे बच्चे को आपने कैसे पाया है, वो किस किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी जो है ना प्रेजेंटेशंस कैसी है। तो ये तो एक वो प्रोफेशन है कि जिसमें न सिर्फ ये कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है। तो अगर किसी वक्त आप इस प्रोफेशनल को छोड़ के किसी दूसरे प्रोफेशनल में जाते हैं तो फिर भी आपकी एक पर्सनैलिटी बनी होती है, आपका एक एटीट्यूड बना होता है, आप एक माइंड आपका वो एनालिटिकल माइंड बना होता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन टू मी। इसमें कैरियर डेवलपमेंट के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। मैंने देखा हुआ है मेडिकल रेप जो कि हमारे पास एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये जो स्टार्टिंग इसमें जो पोस्ट होती है और बहुत ही जल्द हमने देखा है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी के या दूसरी कंपनियों में एक चीफ एग्जेक्टिव या एग्जेक्टिव या हायर पोस्ट पे हमने उनको देखा हुआ है। तो ये एक कैरियर डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोफेशन जो कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है, जिसमें बहुत ज्यादा विंडोज होती हैं और आप बहुत ही ज्यादा आगे जा सकते हैं। और इसमें ये भी है कि ड्यू रिवार्ड मिलता है, आपको बोनसेस मिलती हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको उसका सिल्ला बहुत जल्द मिल जाता है। तो जो मैंने देखा है कि फार्मा इंडस्ट्री के जो फील्ड फोर्स होती है वो हमेशा ही एक वेल ट्रेन और हमेशा खुश रहने वाली होती है। तो एक फार्मा इंडस्ट्री के बारे में मैंने बोला कि ये एक नोबल प्रोफेशन है, कॉम्पिटिटिव है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है मेल फीमेल दोनों को, और ये व्हाइट कलर प्रोफेशन होता है जिसमें एजुकेटेड और स्किल्ड लोग होते हैं। इसमें अनस्किल्ड अनएजुकेटेड लोगों का भी एक रोल होता है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस होते हैं। लेकिन दिस इज अ प्रोफेशन के जिसमें या इंडस्ट्री के जिसमें बहुत ही हाईली स्किल्ड लोग या इवन जो अगर एजुकेटेड लोग आते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। एम्प्लॉयज के बारे में मैंने बोला कि ये इंडस्ट्री एम्प्लॉयज की पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कैटर करती है, कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा होते हैं और एम्प्लॉयज को ड्यू रिवार्ड भी मिलता है। अगर इस इंडस्ट्री को देखा जाए, एक तीसरा एस्पेक्ट है तो मेडिकल डेवलपमेंट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल रहा है। ये न सिर्फ ये कि मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि मेरे 30-32 साल के बल्कि तकरीबन 34-35 साल के मेरे कैरियर में फार्मा इंडस्ट्री ने हमारी हेल्प आउट की है, पेशेंट्स के लिए टाइम टू टाइम बगैर किसी शर्त के। ये नहीं कि उन्होंने शर्त रखी है कि आप हमें ये दवाई लिखोगे तो हम ये करेंगे, बगैर किसी शर्त के उन्होंने एक पर्सनल लेवल पे हमारे पेशेंट्स के लिए स्टेशनरीज, वार्ड स्टेशनरीज, उनके लिए इक्विपमेंट्स भी लाए हैं, उनके लिए मुख्तलिफ छोटे छोटे वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हॉस्पिटल भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन ये भी अपने तौर पे करते रहते हैं। एक पैरेलल और एक सरकारी खाते में अगर हम कोई चीज मांगते हैं तो वो प्रोवाइड होने में कोई 1 महीना 2 महीने लगते हैं क्योंकि प्रोसेस से जाते हैं। और मैंने देखा हुआ है कि हमने फार्मा इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट की है कि जी हमारे पेशेंट को फलानी चीज चाहिए, ये बड़ी जरूरत है, ये उसमें टाइम लगता है, तो उन्होंने एक ही दिन में प्रोवाइड की है। और ये हर अक्रॉस एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री ये लोग करते हैं। और ये याद रखिएगा कि इसलिए नहीं करते हैं कि जी फिर हिसाब किताब शुरू हो जाता है कि आप हमारी दवाई लिखो, ये एक लेवल आ जाता है कि इसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी आप हमें आप हम हमारे कस्टमर हैं या हमारी ड्रग्स लिखते हैं या आप हमारा ख्याल रखते हैं तो हम आपके मरीजों का भी ख्याल रखेंगे। इसमें मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि फार्मा इंडस्ट्री ये करती है। फार्मा इंडस्ट्री बहुत सारे इक्विपमेंट भी देती है पुअर पेशेंट्स के लिए, हमने जब भी कहा है उन्होंने फ्री मेडिसिन दी है, उन्होंने सैंपल्स दिए हैं, काफी ये लोग करते रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज, कि ये फार्मा इंडस्ट्रीज ही है जो कि नॉलेज को डिसिमिनेट करती है, अपडेट्स नॉलेज को शेयर करती है।
वो एक मेडिकल रेप के लेवल पे कि जब वो आता है तो अपने ड्रग के हवाले से आपको उसके जो इसेंशियल्स होते हैं, उसकी जो फार्माकाइनेटिक्स होती हैं, फार्माडायनेमिक्स होती हैं, उस ड्रग्स की क्या इंडिकेशंस हैं, उसको क्या इंटरेक्शंस हैं, किस दवाई के साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये हर लेवल पे हाउस जॉब्स से लेकर पीजी या टीएमओ जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स होते हैं, फिर फैमिली फिजिशियंस, इवन कंसल्टेंट्स लेवल पे ये हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये इन इस इंडस्ट्री की एक वो है कि डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज। साथ साथ डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज के साथ साथ जब हमारे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें ये लोग हमारे साथ हेल्प आउट करते हैं। ये फार्मा इंडस्ट्री ही है कि जिसकी बदौलत हम बड़े बड़े मेडिकल कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरी दुनिया से वो फैकल्टीज आती है, स्पेशलिस्ट आते हैं, वो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करते हैं। और अब हमारे जो यंग डॉक्टर्स होते हैं या हमारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं और इसी तरह एक लेवल ऑफ केयर ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसके अलावा जो फॉरेन में जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस की मैं बात बोल रहा हूँ, मैं स्टेट सपाटी की बात नहीं बोल रहा हूँ, तो कॉन्फ्रेंसेस में भी ये डॉक्टर्स को स्पॉन्सरशिप करते हैं, वहां पे नए नॉलेज नए इलम वो यहाँ पे लाते हैं। अगर उनको जरूरत पड़ती है तो हमारे यंग डॉक्टर्स को भी जो स्किल्स होते हैं ये सिखाने में ये हमारी हेल्प आउट करते रहते हैं। तो इस इंडस्ट्री का हमारे मुल्क में हेल्थ केयर को बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका रोल है। अच्छा, यूं तो मैंने आपसे कह दिया कि फार्मा इंडस्ट्री एक प्रोफेशन एज ए इंडस्ट्री कैसी है, एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इसका रोल क्या है मेडिकल फील्ड में। इसके साथ साथ इसके साथ एक दो बात ऐसी भी हैं कि जिनका जिक्र कर लेना चाहिए। फार्मा इंडस्ट्री ये जो डॉक्टर्स फार्मा रिलेशनशिप है ये एक एग्जाम भी होता है, ये समझ लें कि एक टेस्ट भी होता है, एक बहुत ज्यादा ये जो रिश्ता होता है इसमें बहुत सारे एथिकल अनएथिकल चांसेस हैं, नो डाउट। क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा आ गया है कि डॉक्टर के लिए भी कभी कभार ये एक चैलेंजिंग पोजीशन हो जाती है कि फार्मा इंडस्ट्रीज के साथ या जो मुख्तलिफ जो प्रेजेंटर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनके साथ कैसा थोड़ा सा बिहेवियर होता है। ये क्यों मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और लेकिन चाहे जो भी डॉक्टर होता है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी प्रायोरिटीज हमेशा पेशेंट रही है और डॉक्टर्स की प्रायोरिटी हमेशा पेशेंट रहनी चाहिए। यानी डॉक्टर्स और फार्मा रिलेशनशिप में जो प्रायोरिटी है वो पेशेंट हो, यानी बात पेशेंट से शुरू हो और पेशेंट पे ही खत्म हो। अगर डॉक्टर्स फार्मा रिलेशनशिप है तो उसकी बुनियाद पेशेंट केयर होनी चाहिए। इस रिलेशनशिप का फायदा पेशेंट को पहुंचना चाहिए। और ये याद रखिएगा कि पेशेंट का फायदा इस तौर पे नहीं है कि आया उसको मुफ्त दवाएं मिले या उसको बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स पे दवाइयां मिले। किसी ये याद रखिएगा कि किसी भी पेशेंट को दवाई लिखने से पहले दो तीन चार प्रोसेसेस होती हैं। आपने दवाई लिखी, नुस्खा लिखा, उस मरीज को दिया, मरीज गया, उसने दुकान से दवाई ली, खाना शुरू कर दिया। लेकिन आपने उस दवाई में क्या लिख नुस्खे में क्या लिखा है और क्यों लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। नुस्खा तो आपने लिख दिया लेकिन इस नुस्खे में क्या लिखा है और क्यों लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे पेशेंट प्रायोरिटी आ जाती है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं और आप क्यों लिख रहे हैं इसका फायदा पेशेंट को मिलना चाहिए, न कि फार्मास्यूटिकल को और न कि आपकी साहब। ये एक स्टेप। दूसरा स्टेप जो मैं कहना चाहूंगा, आप जो दवाई लिख रहे हैं उस दवाई को लिखने की जो आपको वो जो स्किल है, नॉलेज है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नॉलेज आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी सीखते हैं। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर मैं आपको बताऊं कि 1987
86 में जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे, उस वक्त जो कॉन्सेप्ट्स थे, उस वक्त जो बीमारी की अंडरस्टैंडिंग थी, उस वक्त जो मुख्तलिफ किस्म की मेडिकल ड्रग्स अवेलेबल थी, अब उसमें बहुत सारी नापेद हो गई हैं, वो रिप्लेस हो गई हैं, वो चेंज हो गई हैं। तो अगर आप अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज और अपनी स्किल को अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे, तो फिर आपका पेशेंट, आपका क्लाइंट जो आपके पास आएगा, वो उसको जो केयर मिलेगी वो अपडेटेड केयर नहीं होगी। मैं जब भी किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए, चाहे वो अंदरून मुल्क है या बैरून मुल्क है, जब मैं जाता हूं और जब पेशेंट मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर जी हम आए थे लेकिन आप मौजूद नहीं थे और हमें फिर वापस जाना पड़ा, अगरचे मैं जब जाता हूं तो कभी कभार मैं अपने जूनियर, मेरे असिस्टेंट को कह देता हूं कि आप अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप लुक आफ्टर कर लिया करें, लेकिन अमूमन फिर मरीज वो नहीं मानते। तो फिर मैं उनसे क्या कहता हूं, मैं उनसे ये कहता हूं कि देखें, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, सब्जी की दुकान पे जाते हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे ताजा सब्जी दें। जब आप फ्रूट की दुकान पे जाते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि मुझे ताजा फ्रूट दें। जब आप गोश्त की दुकान पे जाते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि मुझे बासी गोश्त ना दें, मुझे ताजा गोश्त दें। जब आप इवन किसी कपड़ों की दुकान पे जाते हैं, कोई अपने लिए सूट्स वगैरह लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो आप कहते हैं, या जो आप गारमेंट्स लेते हैं, तो आप जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं आप उनको की तरफ जाते हैं। अब आप कोई जूता खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, तो अपने लिए नए डिजाइन आप पसंद करते हैं, यही है ना। तो ये आपका हक है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, और ये उस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपडेटेड नॉलेज की रोशनी में आपका नुस्खा लिखे, वो जो ताजा इलम है, जो ताजा स्किल्स है, जो ताजा नॉलेज है, वो आपको कन्वे करे आपकी फीस की बदौलत, या आप ओपीडी में गए उधर आपने वेट किया है, उस वेट की बदौलत वो आपको लेटेस्ट जो नॉलेज है, साइंस है, उसकी रोशनी में आपको नुस्खा लिखे। और ये समझ जाते हैं, मैं जब भी जाता हूं, मेरा ईमान है कि, और ये मेरी मेरी लाइफ एक एम है मेरे लाइफ का, जब पेशेंट आपके पास आता है, आपने उसको उस वक्त अवेलेबल बेस्ट रेमेडी, बेस्ट ट्रीटमेंट देनी है। अगर आप नहीं देंगे तो आप पेशेंट के साथ धोखा करते हैं। तो अगेन उस लेवल तक पहुंचाने में डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज की बात आ जाती है, फार्मास्यूटिकल्स का रोल आ जाता है। तो ये भी जो मैंने कहा ना कि पेशेंट फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नुस्खा, उस नुस्खे की इस्तेताअत लेना, नई नॉलेज देना, ये भी उस पेशेंट का है। और ये भी अगर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में है तो इसका भी फायदा पेशेंट को ही पहुंचता है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी आ गई हैं फार्मा इंडस्ट्री में, ओवर टाइम इसमें काफी चेंज हो गया है। जब हम हाउस जॉब में थे, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, जब हम जूनियर डॉक्टर से असिस्टेंट लेवल, प्रोफेसर लेवल पे, सीनियर रजिस्ट्रार लेवल पे, तो वहां पे फार्मर्स का एटीट्यूड एक और था। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं थी, एक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या जो कोई भी फार्मा होती थी एक बिग स्ट्रक्चर के साथ होती थी और एक मोटिव के साथ चलती थी। अब अमूमन हो ये गया है कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे आ गए हैं, अब जिसके पास पैसा है मोस्टली वो फार्मा में आ गया है, और चंद ड्रग्स लेके या थर्ड बॉडी मैन्युफैक्चरिंग करके फिर वो अपनी ड्रग्स चलाता है, और उस वजह से होता क्या है कि फिर अनफेयर मीन्स भी डेफिनेटली हो जाते हैं, और तरीके भी होते हैं अपने ड्रग्स लिखवाने के, और फिर उनके टारगेट अमूमन यंगस्टर्स होते हैं, यूथ होती है जिनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर रहे हैं, जो करियर के स्टार्ट में है, इवन करियर के एंड पे भी या मिड में भी अमूमन इंसान है, कमजोर है, ये कभी कभार हमने देखा है कि इस तरह होता है। तो जो इन्वेस्टर्स इसमें आ गए हैं कि जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तो उस वजह से भी इस इंडस्ट्री में कोई मसले आ गए हैं। इसके अलावा एक गवर्नमेंट पॉलिसी भी जो मेरे ख्याल में है और जिसको करना चाहिए,
वो ये कि देखें, मैं आपको एक मिसाल दूं कि कोई ट्रैफिक चौक है, स्क्वायर है, वहां पे चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है और वहां पे एक पुलिस वाला है। तो अगर वो पुलिस वाला उस टाइम टू टाइम वो एक तरफ की ट्रैफिक छोड़ के दूसरी ट्रैफिक को रास्ता नहीं देगा, तो होगा क्या कि पूरी एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, वो जो है ना जो रवा ट्रैफिक है वो नहीं चलेगा। इस तरीके से जब भी कोई एक नया मालिक्यूल आता है, जब भी कोई नई दवाई आती है, तो यकीन करें कि उसको एक दो फार्मास्यूटिकल्स लाती हैं, तो फिर कोई 1 महीने 2 महीने में उस एक मालिक्यूल के 100 ब्रांड्स आ जाते हैं। और फिर प्रेशर उनकी फील्ड फोर्स पे होती है कि मालिकान उससे कहते हैं कि ये दवाई लिखो और वो अब किस किस की लिखेंगे, तो वो एक ऐसा कंपटीशन आ जाता है। ये मैंने बदकिस्मती से देखा है कि कोई भी नया मालिक्यूल आता है, चंद ही दिनों में कोई 100 इंडस्ट्रीज होती हैं जो वही मालिक्यूल, फार्मर्स होती हैं जो कि वही मालिक्यूल प्रेजेंट कर रही होती हैं, प्रमोट कर रही होती हैं। तो उससे होता क्या है कि आप एक वक्त में क्या लिखेंगे। मैं आपको मिसाल दूं, अब आप जाते हैं अपने लिए, आप किचन के लिए आप सौदा लाते हैं, आप चले जाते हैं एक दुकान से, तकरीबन मेरे ख्याल में वही होगा, एक ही दुकान होगा या दो होगा जनरल स्टोर में, कि जहाँ से आप सब्जी लेते हैं या जहाँ से जो है ना आप खुराक की चीजें लाते हैं, ड्राई सौदा लाते हैं, या जो है ना कोई गोश्त की दुकान है, तो मुमन एक दो ही होते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि आज एक दिन एक दुकान से मिल्क दूध लाते हैं, कल दूसरे से लाते हैं, फिर तीसरे से लाते हैं, फिर चौथे से लाते हैं, आज एक दुकान से सब्जी लेते हैं, कल दूसरे से लेते हैं, परसों तीसरे से लेते हैं, आज एक दुकान से गोश्त लेते हैं, कल दूसरे से, ऐसा नहीं होता। अमूमन हर कोई तमाम ही एक जैसे होते हैं, हर कोई उसका एक वो लैकिंग आ जाती है, वहीं पे जाता है। तो अगर डॉक्टर भी मेडिसिन लिखेगा, तो एक या दो फार्मास की लिख लेता है, या जो एक ड्रग होती है वो तो नहीं कर सकता कि पेशेंट नंबर एक को फार्मा वन की दवाई लिखो जो एक ही मालिक्यूल है, मसलन कोई एंटीबायोटिक है एक ही तरह का, तो एक मरीज को फार्मा वन का लिखो, दूसरे को फार्मा टू को लिखो, तीसरे को फार्मा थ्री को लिखो, चौथे को फार्मा फोर का लिखो। आई मीन दिस इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो उस वजह से, और ये बेचारे वो जो इनके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जो मालिक होते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती, और वो अपनी फील्ड फोर्स से कहते हैं कि नहीं जी आपकी चीज क्यों नहीं निकल रही, हमारी चीज क्यों नहीं निकल रही है। तो ये अमूमन इशू होता है, और आई रियली फील सॉरी कि जो फील्ड फोर्स पे उनको जो इस पे प्रेशर होता है, ये प्रेशर है इसमें, नो डाउट। बदकिस्मती से ऐसा भी होता है कि अगर एक टारगेट वो अचीव करता है, तो उसको अगले महीने टारगेट मजीद बढ़ा दिया जाता है कि जी ये काम कर सकता है। ये भी एक होता है डेफिनेटली कि कुछ और भी चीजें होती हैं, इनफिल्ट्रेशन का इशू होता है, जो मेरे फार्म इंडस्ट्री से आते हैं उनको समझ आ जाएगी कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। ऐसे भी होता है कि डॉक्टर्स भी, ये हकीकत है कि कभी कभार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर्स भी कुछ डिमांड्स करते हैं, पर्सनल डिमांड्स करते हैं, जो कि करने नहीं चाहिए। सर का मैंने कहा ना कि पेशेंट प्रायोरिटी शुड बी देयर। इसी तरह आप डॉक्टर्स गिफ्ट्स की भी कभी कभार जो है ना, बल्कि मे बी आई डोंट नो, लेकिन डिमांड करते हैं, और इन विचारों को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जनाब हम आपको बेन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए। ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर्स दिस इज वेरी बैड। हमें इस डॉक्टर, देखिए एक ट्रायंगल होता है, डॉक्टर, मेडिकल रेप और पेशेंट, ये ट्रायंगल में ये तीन एंगल्स हैं, ये तीन कॉर्नर्स हैं, तीन स्टेक होल्डर्स हैं। अगर दो में से, इन तीनों में से किसी का भी अगर ये रिलेशनशिप खराब होता है, अल्टीमेटली उसका प्रेशर पड़ता है या उसको इम्पैक्ट होता है पेशेंट पे, और पेशेंट केयर को कभी भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब जो मैंने कहा कि अब वो हालात नहीं रहे, डेफिनेटली अब थोड़े से चेंज हो गए, एटीट्यूड भी चेंज हो गए, और जो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मोस्टली मैं हर एक का नहीं बोल रहा हूँ, या मोस्टली भी नहीं, शायद ज्यादा कुछ, तो यस कुछ फार्मास में मे बी के थोड़ी सी इश्यूज हों, कुछ इन्वेस्टर्स में भी शायद ये इश्यूज हों, लेकिन बाय एंड लार्ज तमाम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, जितनी फार्मर्स जो हैं, तो
फार्मा इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स हैं, इंडस्ट्री वो कंपनीज हैं, वो यही समझती हैं कि हमारी मेन फील्ड फोर्स जी ही है जिसकी वजह से हम आगे जाते हैं और ये हमारे हाथ पांव हैं, तो वो इनका ख्याल रखते हैं मेरे ख्याल में, और उनको हमेशा इज्जत भी देते हैं। डॉक्टर्स भी मेडिकल रेप्स को इनको इज्जत देनी चाहिए, उनको अपने यंगर पुलिस की तरह लेना चाहिए। ये नहीं है कि वो मजबूर हैं कि लाजमन आपके साथ आएंगे और आप फिर अपने स्टेटस का नाजायज फायदा उठाएंगे, गलत बात है, ऐसा होने नहीं चाहिए। द रीजन के आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में फार्म इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। तो व्यूअर्स नाजरीन, मैं एंड करूंगा इस कंक्लूजन पे कि मेरे ख्याल में डॉक्टर अफान शायद फार्मा इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं था, उसमें जो एटीट्यूड परवान चल रहा है उसके अगेंस्ट था, और ये एटीट्यूड फार्मा का भी, जो उसने बोला कि फार्मा अगर वो एक किसी लेवल पे कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो कंपनी ओन नहीं करती है तो वो बदकिस्मती है, और इवन वो जो उसने कहा कि बड़े इंतजार करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए, वेट के लिए, और ये नेचुरल है, और डॉक्टर्स को भी मेरे ख्याल में उनको उनका हक है फार्मास्यूटिकल्स फ्रेंड्स का कि वो उनको टाइम दें, उनकी बात सुने, इस टाइम पे सुने जब दोनों के लिए कन्वीनियंट हो। जितने भी फार्मास्यूटिकल फ्रेंड्स, मैं हमेशा मेरे क्लिनिक में मैंने कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का लफ्ज नहीं लिखा, मैं हमेशा फार्मास्यूटिकल फ्रेंड्स लिखता हूँ। ये जितने भी मेरे साथ इनके इंटरेक्शन है वो इस बात की गवाह हैं। तो फार्मास्यूटिकल फ्रेंड्स हमारी फैमिली का पार्ट हैं, और हमारी जो प्रोफेशन है मेडिकल प्रोफेशन, इसमें तीन आप कह सकते हैं कि दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। आपके तौर पे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है शायद दोनों जुड़वा है, लेकिन हमारा मकसद पेशेंट केयर है और पेशेंट केयर होनी चाहिए। तो वो यंगस्टर्स, वो एजुकेटेड पीपल, इवन स्किल्ड पीपल जो कि इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ये बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है, एक पेशेंट ओरिएंटेड प्रोफेशन है और ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड प्रोफेशन है, और इसमें न सिर्फ ये कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है। तो उम्मीद है कि अगर कुछ गलतफहमियां डॉक्टर अफान के वीडियो से आई हैं, जो कि वो ही डिडंट मीन दैट, उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं था, वो जो एटीट्यूड था उसको पॉइंट आउट करना चाह रहा था, और जो मैंने जो पिछले 35-36 साल में जो मेरा रेगुलर इंटरेक्शन रहा है इस इंडस्ट्री के साथ एज अ वन ऑफ इट्स जो एज ए डॉक्टर, जो मैं इसकी मेडिसिन लिखता हूँ, ये सब जो मेरा रिलेशनशिप होता है, या पर्सनली मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो इसका रोल है, तो मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा था। उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को या डॉक्टर्स को कर्ज करूं, इट वॉज जस्ट वन ऑफ माई ओपिनियन, माई पर्सनल ओपिनियन, जो कि हो सकता है बायास भी हो, मेरे अपने पर्सनल चूंकि ओपिनियन था तो उस पर हो सकता है कि किसी को इससे इख्तलाफ हो, लेकिन इख्तलाफ आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, प्रोवाइडेड आप उसमें दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करें, और हर प्रोफेशन आपको रिवार्ड देता है, कोई जल्दी कोई देर से, लेकिन देता जरूर है, और अगर आपको दुनियावी रिवार्ड नहीं मिलता, आपको उस अल्लाह ताला आप उसको रिवार्ड देते हैं, किसी और तरीके से रिवार्ड आपको मिलता है। तो हमेशा जिस भी प्रोफेशन में रहें, इस प्रोफेशन इस नियत के साथ जाएं कि जो आपका रोल है, अल्लाह ताला ने ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आपको सिलेक्ट किया है, और आप अपना रोल बेहतर तरीके पे अदा करें। इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।